प्रिय दर्शकों नमस्कार, आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के न्यू प्लेट मिल में सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल आरएसपी के ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल विभाग में स्पॉट सेफ्टी क्विज का आयोजन और आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं कोकिला देवी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के न्यू प्लेट मिल में सृजनी पुरस्कार वितरण समारोह हाल में ही में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक न्यू प्लेट मिल और एसपीपी श्री पिनाकी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर विजेताओं को पुरस्कार सौंपे। कार्यक्रम में महाप्रबंधक आईईडी श्री एमएस मांगर, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चौधरी ने उन सभी को बधाई दी जिन्होंने विभाग की बेहतरी के लिए अपने बहुमूल्य सुझावों के माध्यम से योगदान दिया। उन्होंने दैनंदिन जीवन में रचनात्मक के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे रचनात्मक और नवाचार विभाग में बड़े बचत ला सकते हैं। श्री मांगर ने समग्र रूप से आरएसपी और न्यू प्लेट मिल में सृजनी गतिविधियों पर एक संक्षिप्त विवरण दिया। कुल मिलाकर 391 सुझावों को पुरस्कृत किया गया जिनमें से 237 को पहले ही लागू किया जा चुका है। विजेताओं को 51,250 रुपये का नगद पुरस्कार संवितरित किया गया है। सुझावों से कई मूर्त और अमूर्त लाभ अर्जित किए गए। समारोह का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक एनपीएम श्री अभिजीत पटनायक और सृजनी समन्वयक द्वारा किया गया। ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल विभाग के यातायात नियंत्रण अनुभाग में ओएचई और वैगनों के शंटिंग संचालन के बारे में नियमित और ठेका श्रमिकों को जागरूक करने के लिए 2 नवंबर 2022 को एक स्पॉट सेफ्टी क्विज आयोजित की गई थी। मुख्य महाप्रबंधक टीएनआरएम श्री अरुण कुमार बेहरा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सही उत्तर देने वालों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक टीएनआरएम श्री आरसी बेहरा, विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनमें करीब 300 कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य रेल इंजनों के संचालन और अन्य सभी संबंधित पहलुओं जैसे ओवरहेड इलेक्ट्रिक, पटरी से उतरना, शंटिंग संचालन और ट्रैक रखरखाव के बारे में कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के क्रॉस सेक्शन के बीच सुरक्षा जागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक टीएनआरएम श्री विनायक जीना टीएनआरएम द्वारा किया गया था, जिन्हें सहायक प्रबंधक टीएनआरएम श्री एस नायक द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। उल्लेखनीय है कि इसी तरह का कार्यक्रम टीआरएम विभाग के हॉट स्ट्रिप मिल 2 और जोन 6 यातायात का स्टील डिस्पैच क्षेत्र में आयोजित किया गया था। विभाग में सुरक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की संकल्पना की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.2 समारोह में उपलक्ष्य में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं कोकिला देवी। कोकिला देवी का जन्म ओडिशा के भद्रक जिले में महान राष्ट्रवादी भगवत प्रसाद महापात्र के घर हुआ था। कोकिला देवी एक लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थी। अपने पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद वह वर्ष 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्हें वर्ष 1932 में भागलपुर में कर लिया गया था। उन्होंने हिंदू मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश के लिए अथक संघर्ष किया। ओडिशा में काक मौसी चाची के रूप में लोकप्रिय कोकिला देवी का 40 वर्ष की आयु में अस्थमा से मृत्यु के शिकार हो गई। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।